तो लास्ट वीक जब मैंने पठान के बॉक्स ऑफिस पर एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि भाई इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है 450 करोड़ से ऊपर जाएगा, यानी कि अगर नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखें तो हिंदी बेल्ट की ये हाईएस्ट अर्निंग मूवी बनेगी। अब हालांकि इस मूवी का वीक वन काफी अच्छा था, मूवी ने काफी सही परफॉर्म किया, तो अब जानते हैं कि वीक टू के एंड में यानी कि कल के बाद इस मूवी का क्या परफॉर्मेंस है और ये मूवी अपना लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक लेके जाएगी, क्या वो केजीएफ चैप्टर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन यानी कि 1200 करोड़ तक पहुंच पाएगी भी या नहीं। लेकिन उससे पहले एक सब्सक्राइब छोड़ देना यार, मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए। तो पठान का पहला वीकेंड तो काफी सही था, उसका परफॉर्मेंस काफी तगड़ा था क्योंकि पठान अपने पहले वीकेंड के अंदर 100 के मल्टीप्लायर में अर्निंग कर रही थी और इसीलिए इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड में 543 करोड़ का बिजनेस किया जो कि बहुत बड़ी बात है। यहां बॉलीवुड की मोस्टली मूवीज फ्लॉप हो रही थी और इस मूवी ने 100 के मल्टीप्लायर में कमाई करी। पहले वीकेंड के बाद वापस से वर्किंग डेज चालू हो गए थे और इस टाइम पे मोस्टली लोग बिजी रहते हैं तो मोस्टली लोग थिएटर विजिट नहीं कर पाते, जिस वजह से मूवी में डाउनफॉल आना लाजमी था। ऐसा हर मूवी के साथ होता है, लेकिन फिर भी वीक टू के अंदर यानी कि मंडे से लेके संडे यानी कि कल तक मूवी ने ऑलमोस्ट 258 करोड़ की अर्निंग करी जो कि किसी भी एंगल से कम नहीं है। वीक टू के अंदर इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देना किसी भी मूवी के लिए बड़ी बात होगी। अब इन दोनों ही वीक का टोटल एस्टीमेट निकल के आया है कि पठान ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 2 वीक के अंदर अराउंड 800 करोड़ का मार्जिन टच कर लिया है। एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट शायद जब तक आप ये वीडियो देखोगे 3 या 4 बजे शाम तक मंडे को, तब तक डिस्क्लोज हो जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि भाई 2 वीक के अंदर पठान का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था। लेकिन देखो, मैंने लास्ट वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये मूवी अगर अच्छी पकड़ बना के रखती है वीक टू के अंदर तो ये मूवी आराम से 900 करोड़ तक टच कर जाएगी और देखो इस मूवी ने 800 करोड़ का मार्जिन टच कर लिया है और अभी तो कोई बड़ी मूवी आसपास भी नहीं है। एंटमैन क्वांटम मीनिया जहां तक मुझे याद है वो 17 फरवरी को आने वाली है, तो अभी भी पठान के पास ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम है तो वो आराम से 1000 करोड़ का मार्जिन टच कर सकती है। और भाई पठान का इतना ताबड़तोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के फैंस ने इसे केजीएफ चैप्टर 2 से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया और इन्हीं सब के बीच ये वाली इमेज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जिसकी वजह से फैंस और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि भाई शायद पठान जो है केजीएफ चैप्टर 2 को ओवरटेक कर ले। अब देखो एक्चुअली इस इमेज में ऐसा दिखाया जा रहा है कि पहले वीकेंड के बाद केजीएफ चैप्टर 2 की टोटल अर्निंग 548 करोड़ थी और वहीं पठान के पहले वीकेंड की अर्निंग जो है 543 करोड़ है। अब देखने से तो भाई क्लियर ही लग रहा है कि भाई दोनों मूवीज ने अपने पहले वीकेंड में 548 और 543 करोड़ कमाए यानी कि 5 करोड़ बस का मार्जिन है, तो शायद पठान ओवरटेक भी कर ले। अब देखो इन्फॉर्मेशन भी सही है दोनों मूवीज के बारे में और दोनों मूवी के बीच में मार्जिन पहले वीकेंड के बाद सिर्फ 5 करोड़ का ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पठान केजीएफ चैप्टर 2 को ओवरटेक कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी 26th of April 2022 को जो कि एक्चुअली में थर्सडे को पड़ता है, तो केजीएफ 2 का वीकेंड डे हो गया 4 दिन और उसने 4 दिन के अंदर 548 करोड़ की अर्निंग करी थी। और वहीं पठान रिलीज हुई थी वेडनेसडे को यानी कि 25th जनवरी को, तो उसके वीकेंड में 5 दिन हो गए और उसने 5 दिन में 543 करोड़ अर्निंग की थी। केजीएफ के वीकेंड में 4 दिन थे तो उसने 4 दिन में ऑलमोस्ट 550 करोड़ का अर्निंग किया, वहीं पठान के वीकेंड में 5 दिन थे और फिर भी पठान 5 करोड़ के मार्जिन से पीछे चल रही है, तो पठान किसी भी एंगल से केजीएफ चैप्टर 2 को ओवरटेक नहीं कर सकती, लिख के ले लो। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई केजीएफ चैप्टर 2 एक सीक्वल मूवी है और उसकी रिवॉचेबिलिटी काफी ज्यादा है। इवन भाई उस मूवी को मैंने खुद थिएटर में जाके 3 बार देखा था, वही पठान अभी तक मैंने सिर्फ 1 ही बार देखी है थिएटर में जाके। वैसे तुम लोग वीडियो शेयर कर दो ताकि $100 का थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाए मेरा। अब टॉपिक से ना भटकते हुए बात कर लेते हैं कि इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जा सकता है। अब देखो मैंने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि ये 900 तक जाएगा, लेकिन वीक 2 के अंदर उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया और अब वो 800 से 850 के बीच में चल रही है मूवी अभी तक, तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना जा सकता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2 वीक्स तक कोई भी और बड़ी मूवी रिलीज नहीं होने वाली है तो पठान के पास 2 वीक का और टाइम है, और अगर वीक 3 और वीक 4 के अंदर भी ऑडियंस जाती है मूवी देखने तो भाई पठान के लिए काफी अच्छी बात है, वो 1000 करोड़ के मार्जिन को भी क्रॉस कर सकती है। 2 हफ्ते उसके लिए काफी ज्यादा टाइम है क्योंकि मूवी अभी 800 से 850 करोड़ के बीच में है, उसको 150 करोड़ और क्रॉस करने हैं कैसे भी करके, तो वो हो जाएगा 2 वीक काफी है उसके लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई मूवी 1000 करोड़ का भी मार्जिन क्रॉस कर दे, इवन 1100 तक चली जाए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में मूवी चल रही है और भाई नॉन चाइना रिलीज के बाद ग्लोबल मार्केट में इतनी धूम मचा रही है मूवी, तो भाई मूवी में कुछ तो बात होगी और पोटेंशियल अभी भी बाकी है मूवी के अंदर। वहीं हिंदी बेल्ट के अंदर इसका नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 410 करोड़ तक पहुंच चुका है और ये केजीएफ चैप्टर 2 से सिर्फ 30-38 करोड़ के बीच का डिफरेंस है, वो भी कवर कर लेगी, मूवी के पास अभी 2 वीक है। तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ना सही बट हिंदी बेल्ट के अंदर जरूर पठान केजीएफ चैप्टर 2 को बीट कर देगी। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 एक हिंदी डब्ड मूवी है, उसको हिंदी में बनाया भी नहीं गया था फिर भी उसने हिंदी बेल्ट के अंदर इतनी कमाई कर ली। अब हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं ना उसका सिर्फ तुमने टीजर देखा है पठान मूवी के साथ। जवान मूवी जब आएगी शाहरुख खान की तो भाई तुमको पूरी पिक्चर दिखाएगी कि ग्लोबल मार्केट की कैसी ऐसी तैसी करते हैं। अब जो जवान मूवी आएगी ना वो पठान से भी बेटर होगी, पता है क्यों?
अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आएगी जवान मूवी पे। अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी रिव्यूज और एक्सप्लेनेशंस के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और दिन ऐसा ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।